गोविंद सिंह जी साहिबजादियां दी याद विच फतेहगढ़ साहब के हजारां परिवार अज भी पौं महीने की कड़ाके की सर्दी विच जमीन ते सौंदे हन। इस महीने वो ना तो कोई ब्याह करदे हन ते ना ही कोई खुशी का समागम। यह परंपरा 315 सालों तो चली आ रही है। 1704 विच दसवें पिता ते छोटे साहिबजादियां बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह ते 80 सालों तो ज्यादा उम्र की माता गुजरी नूं सरहंद दे नवाब वजीर खान ने हंसला नदी के कंडे 140 फुट उच्चे डूंगे उच्चे ठंडे बुर्ज विच कैद करके सजा दित्ती सी। दिल्ली दी अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार नूं सरकार दा रिपोर्टर कार्ड जारी किया है। केजरीवाल ने इस कार्यकाल च अपनियां वड्डियां उपलब्धियां दरमियान चंगी सिक्ख्या मुफ्त सेहत सहूलतां नूं मुख उपलब्धियां नूं जगह दित्ती है। केजरीवाल ने कहा है कि चंगी सिक्ख्या ते मुफ्त सेहत सहूलत दिल्ली च अपने 5 साल दे कार्यकाल च आप सरकार दीआं वड्डियां उपलब्धियां चों इक सी। आम आदमी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक दौरान पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान पत्रकारों नाल खैबड़ पए ते तूं तड़क के उत्तर आए। जानकारी मुताबिक पार्टी की कोर कमेटी की बैठक दौरान जो भगवंत मान पत्रकारों नाल गलबात कर रहे सन तो किसी पत्रकार ने विरोधी धिर की भूमिका नूं लैके भगवंत मान नूं सवाल किया। तक भगवंत मान नूं गुस्सा आ गया ते ओह पत्रकारों नाल पैंसन लग पई। गल इत्थों तक वध गई कि भगवंत मान अपनी सीट ते खड़े होकर गुस्से च पत्रकार नूं बोलन लग पए ते काफ़ी गल बात गई। नागरिकता सोध एक्ट नू लेके विरोध भकता जा रहा है। थां थां ते इस एक्ट विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली च CAA नू लेके मंगलवार प्रदर्शनकारियां जामिया विद्यार्थियों वालों विरोध प्रदर्शन किया गया सी। दिल्ली के मंडी हाउस च प्रदर्शन किया गया सी जिस कारण इत्थे धारा 144 लागू कर दी गई सी जिसके नाल ही संसद मार्ग नू पूरी तरह बंद कर दिता गया सी। भारी गिनती च पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। अपने निजी तौर पर बरनाला पुजे आम आदमी पार्टी के दाखल तो सबका विधायक SH फुलका ने अकाली दल सुखदेव सिंह ढींसा के बगावत के मुद्दे से कहा कि अज तक बगावत की शुरुआत हुई है तो जल्द ही अकाली दल के होर नेता भी सुखबीर बादल नाल बगावत करनगे। उन्होंने कहा कि अज अकाली दल का कोई भी कार्यकर्ता ते नेता सुखबीर सिंह बादल के कारण ही अकाली दल तो दूर हों जा रहा है ते अज जो अकाली दल की हालत है उसके लिए सुखबीर बादल ही जिम्मेवार है। एम्स बठिंडा के उद्घाटन मौके फिरोजपुर तो अकाली MP ते अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की मांग से केंद्र सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने फिरोजपुर च PGI सैटेलाइट सेंटर बनाने का ऐलान कर दिया है जिस पर 450 करोड़ रुपए खर्चा आवेगा। केंद्र मंत्री ने बकायदा ऐलान किया है कि वह खुद इस सेंटर का नींह पत्थर रखने लिए पहुंचेंगे। हवाई अड्डे का नाम चंडीगढ़ करन दी मंग करन वाली संसद मैंबर किरण खेर नूं अड़े लैंदिया सिद्धू ने कहा कि वह अपनी घटिया सोच नूं जग जाहिर कर रहे हैं। उन्हें कहा कि मोहाली नूं कोई नहीं जानता दी टिप्पणी करन वाली संसद मैंबर नूं यह पता होना चाहिए है कि यह शहर 10वें पातशाह के वड्डे साहिबजादे अजीत सिंह के नाम उत्ते वसिया है जो वड्डे निवेश धुरे वजो पूरे विश्व भर में उभर रहा है। मोहाली IT हब वजो देश की अगवाई करन दे मुहान उत्ते खड़ा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किरण खेर नूं शायद यह गल का नहीं पता कि चंडीगढ़ पंजाब दे पंजाब पिंडां दी जमीन उत्ते बसिया है जिस विच 28 पिंडां नूं जाड़ के यह शहर बसाया गया। कैप्टन सरकार खिलाफ कल मोगा विखे जिला प्रबंधकी कैपलैक्स दफ्तर बार पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल की अगवाई हेठ धरना दिता गया सी जिस विच वड्डी गिणती च अकाली वर्करां दा ठट्ठा मारदा इकट्ठ दिखाई दिता। उन्होंने ने अगे बोलते हुए कहा है कि पंजाब का खजाना खाली नहीं ते लुटिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार दे राज च शराब दे मालिए च गिरावट हुई है ते कांग्रेसी आगूआं ते पुलिस दी मिली भुगत नाल तस्कर नशा वेच रहे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 6-6 महीने डिप्टी कमिश्नरां कोल जिले दी हालातों बारे की जानकारी नहीं लेंदे। उन्होंने कहा कि पंजाब की कैप्टन सरकार हर फ्रंट से फेल साबित हुई है। देश च नागरिकता सोध एक्ट अते नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ते सियासत गरमाई हुई है। CAA दे कानून रूप लैण तो बाद ही देश दे कई सूबियां च जम के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मोदी सरकार ने हुण राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर नूं लै के वड्डा फैसला लै लिया है। मोदी कैबिनेट ने इस नूं अज मंजूरी दे दित्ती है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तहत देश दे हर नागरिक नूं अपना नाम इस रजिस्टर विच दर्ज करवाउणा जरूरी होवेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रेप की पीड़िता ने अपने मां बाप नाल जहर खा लिया। तिन्हां दी हालात गंभीर बनी हुई है। पीड़िता ने सुसाइड नोट च अपनी मौत लई CO कैट इंस्पैक्टर कैट पहाड़ी चौंकी इंचार्ज समेत 3 दोषियों जिम्मेवार ठहराया। पीड़िता का दोष है कि इन्हां लोगों ने उन्हां दे बयान बदलने का दबाव बनाया सी।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਸੈਂਕੜੇ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨਰੇਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਜ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੌਰਾਨ 3 ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੜਕੇ 4:52 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 32 ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਵਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ 'ਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਤੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ 27 AC ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਤ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਇਹ AC ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ AC ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 96ਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਵਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਿਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜੇਤੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ, ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਮਿੱਤਲ, ਯੂਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਰਵੈਲ, ਪਲਾ ਫੋਰ ਪੁਜਾਰੀ ਵਿਰਦੋਸੁਲ ਹਸਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਦੁਬੇ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਦੇ ਦੋਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਮਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਫਿਲਮ ਹਰਜੀਤਾ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹਰਜੀਤਾ ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਬਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਚਾਰਜ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।